ईएमएस टीवी को दिए साक्षात्कार में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला राथुराम गोडसे हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदू कभी भी निशस्त्र व्यक्ति पर वार नहीं करता। विचारों की भिन्नता विचारों से ही लड़ी जा सकती है। उन्होंने हिंदू सभ्यता और धर्मशास्त्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि गोडसे का कृत्य हिंदुओं वाला नहीं था। गांधी जी की हत्या ये हिंदुओं ने नहीं की। गांधी जी जो थे वो हिंदू थे और प्रभुपति राघव राजा राम भगवान सीताराम कहते थे, प्रार्थना करते थे और सत्य और अहिंसा को ही धर्म मानते थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी जिन लोगों ने हत्या की उस हत्या का आरोप हिंदुओं पर मढ़ दिया गया, जबकि हिंदू इस विचार का नहीं है। सबसे बड़ी हमारी हिंदू धर्म विशेषता यह है, नाथुराम गोडसे क्या थे नहीं हम आपको बताते हैं, वो कुछ भी रहे हों, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हिंदू धर्म में निहत्थे व्यक्ति पर आक्रमण नहीं किया जाता। आप देखिए कोई भी युद्ध की बात देख लीजिए, जहाँ किसी सामने वाले के हाथ से हथियार छूट गया है तो सामने वाला कहता हथियार उठाओ। ऐसा नहीं है कि किसी को निहत्था करके मारा जाए। तो महात्मा गांधी को अगर तुम्हें मारना था तो जिस प्रचार से महात्मा गांधी आपकी दृष्टि से देश का हित कर रहा था आप उस प्रचार के माध्यम से ही हराते। आपने शस्त्र का उपयोग क्यों किया, ये हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं है। इसका हम लोग नाथुराम गोडसे आपकी नज़र में हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं था, हिंदू धर्म के अनुसार नहीं था, हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य किया उसने। हम लोगों ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। निहत्थे व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करना ये हिंदू धर्म के विपरीत है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।